हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर, और आज मैं आप लोगों को विटामिन ए के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। विटामिन ए के ताल्लुक से आप लोगों ने सुना होगा, विटामिन जो है अलग अलग विटामिन होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी और सी के बारे में आपने सुना, विटामिन डी के बारे में आपने सुना, इस तरह अलग अलग विटामिन होते हैं। तो इनके अपने अपने एक रोल होते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर उसके बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। और वही विटामिन की अगर कमी होती है तो हमारी बॉडी पे उसके असरात भी हो जाते हैं, और वही विटामिन अगर बढ़ जाते हैं तो उसके भी एक अलग असरात होते हैं बॉडी के ऊपर। तो विटामिन की जो रिक्वायरमेंट्स बॉडी को होती है, जो उसको सफिशेंट है, जो ज़रूरी है, तो वो डेली इंटेक में या डेली हमको लेना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज हमारी बॉडी को प्रॉब्लम आ सकता है किसी और वजह, यानी कि कोई एबनॉर्मलिटी आ सकती है, तो इसका यानी कि विटामिन का हमारी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है, और हमारी बॉडी को इसकी बहुत ज़रूरत है। और हर विटामिन का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, जैसे बोन्स, हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ ये उम्र के साथ साथ ढलती उम्र के साथ में जहाँ विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, हम जानते हैं। तो उसी तरह से विटामिन सी है, विटामिन बी है और विटामिन ए है। तो हम विटामिन ए के बारे में आज थोड़ी मुख्तसर बात करने जा रहे हैं। तो विटामिन ए के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। जी हाँ, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। और इसके अगर फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो आमतौर से इसके जो अहम फंक्शन है उसके अंदर सबसे अहम ये है कि ये हमारे लिए नेचुरल डिफेंस का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हर बॉर्डर पर जो फोर्स होती है वो दुश्मन से हमारी हिफाजत करती है या नेशन की हिफाजत करती है, इसी तरह हमारी बॉडी को बीमारियों से या बैक्टीरिया वायरस से बचाने का काम या डिफेंस का काम जो है नेचुरल जो है विटामिन ए का करता है। और इसका एक खास रोल जो है विटामिन ए का दोस्तों, वो है हमारे आंखों के लिए जबरदस्त है दोस्तों। जी हाँ, विजन के लिए, हमारी आंखों के लिए। हम जानते हैं कि अंधेरे के अंदर यानी डिम लाइट यानी कम उजाला अगर है तो उस वक्त भी हमारी जो है नज़र अच्छे से काम करती है और हमको अच्छे से दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। तो इसके पीछे तो हमको डार्कनेस में या फिर डिम लाइट के अंदर भी अच्छे से दिखाई देता है। तो इसके पीछे सबसे अहम वजह, सबसे जो कोई चीज़ अगर है, कोई ताकत अगर है जो हम अंधेरे में भी देख पाते हैं, डिम लाइट में देख पाते हैं, तो वो है विटामिन ए दोस्तों। जी हाँ, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमको दिखाई देने में प्रॉब्लम आएगी, हमारे विजन के अंदर डिस्टर्बेंस होगा और हमारी जो आँखें उसके अंदर ड्राइनेस आएगी, यानी कि जो खुश्की आ सकती है हमारे आँखों के अंदर विटामिन ए की कमी से। तो इसलिए इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आँखों के लिए विटामिन ए, और साथ ही हमारे स्किन के लिए भी विटामिन ए की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। खास करिए जो हमारे फेफड़ों की या सांस की नालियां कह सकते हैं, हवाओं की जो पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि चाहे लैरिंग्स हो, फेरिंग्स हो, या स्किन के दूसरे पार्ट्स हो, बॉडी हो, तो उसके अंदर की जो स्किन की जो लाइनिंग होती है उसमें भी विटामिन ए। तो इस तरह दोस्तों हमने जाने इसकी जो अपाले फंक्शन है, इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है और रोज़मर्रा जो अपडेट्स इसके ताल्लुक से जो यानी कि रिसर्च होती है तो वो अलग अलग इसके बेनिफिट्स सामने लाते हैं, लेकिन ये जो अहम या मुख्य जो अफाल थे मैंने आपके सामने बताया। जानते दोस्तों इसके सोर्सेस क्या है, इसके यानी कि ये हमको कहाँ से हासिल होता है। आमतौर से नबातात में बहुत कम पाया जाता है, यानी कि वेज के अंदर ही बहुत कम होता है, नॉनवेज चीज़ों के अंदर जैसे एग्स है, अंडे हैं, पनीर है, और इसके अलावा जो है तो मछली है, और इसके अलावा ऑयल फिश है, मीट है, इसके अलावा लीवर है, तो इन चीज़ों में बहुत कसीर तादाद में पाया जाता है। कि रिसर्च के मुताबिक जो येलो कलर की चीज़ें होती है, जैसे कि मैंगो को हम ले सकते हैं, मैंगो के अंदर भी एक कसी तादाद में पाया जाता है। सब्जी वगैरह में इसकी तादाद थोड़ी कम होती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो चीज़ें मैं आपको बताया, अंडे वगैरह, मछली, गोश्त वगैरह, ये सब चीज़ों में इसकी तादाद कसीर तादाद में ये होता है, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन है इसमें मौजूद होता है, पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, यानी विटामिन ए की कमी से हमारे बॉडी पे क्या क्या हो सकता है। वैसे तो विटामिन ए की कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जो कहा जाता है इसकी वजह से हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, रात अंधेरेपना, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, मराठी में कह सकते हैं, और साथ ही इसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ आइज, टोट्स स्किन और बिटोट्स स्पॉट्स, और साथ ही इसकी वजह से आंखों के अंदर दर्द होना, जलन होना, आंखों के अंदर खुश्की आना और नाइट ब्लाइंडनेस, तो इस तरह से रात अंधेपन जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह की इसकी वजह से या विटामिन ए की डेफिशिएंसी या विटामिन ए की कमी के बाइस
इस तरह की तकलीफों को हम को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। बातें ऐसी है जैसे प्रेगनेंसी के ताल्लुक से हैं, तो इसके ओवरडोज से प्रेगनेंसी के अंदर बहुत नुकसान होता है, यानी जो बच्चा है उसको भी नुकसान हो सकता है, उसकी माँ को भी नुकसान हो सकता है। तो इस ताल्लुक से जो है, तो मैं जो बता रहा हूँ लिटरेचर, आपको इसको आप अच्छे से देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि, और हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह में, हमेशा अपने डॉक्टर की निगरानी में रहा करें। कभी भी कोई भी चीज़ जो है, तो मन से या फिर विटामिन ए के जो साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो इसकी वजह से जिल्द की खुश्की है, जिल्द से रिलेटेड यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही इसकी वजह से जो है, तो मथली का आना, नींद की कमजोरी यानी बेखौफी वगैरह का आना, चक्कर का आना, इस तरह की जो तो कुछ नुकसान इसके ओवरडोज की वजह से हो सकता है, और इसके साथ ही जो प्रेगनेंसी के अंदर भी इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों, ये थे इसके साइड इफेक्ट्स के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप को तमाम बातें आपको विटामिन ए के ताल्लुक से आज की इस क्लिप में समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपको, अगर कोई सवाल पूछना है, बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम आपको देंगे। इसी तरह की हेल्पफुल या फिर मालूम वाली चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों, हमारे इस चैनल को यानी मेडिकोज लाइफलाइन को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।